फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही चटपटी यम्मी सी चटनी, और जो कि मोमोज के साथ खाई जाती है, क्योंकि बिना इस चटनी के मोमोज का मज़ा आपको नहीं आएगा। तो ये चटनी आप ज़रूर बनाएं मोमोज के साथ। तो ये चटनी बहुत ही चटपटी बनती है और इसको आप मोमोज के अलावा पराठे पूरी से भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे मैंने बनाया है इसको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं। और जो वीडियो के नीचे लाइक का बटन होता है उसको क्लिक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। बनाने के लिए मैंने मिर्च ली है, रेड चिली, यहाँ पे मैंने टोमेटो 3 लिए हैं। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये कट कर लिया है, हाफ कट कर लेना है ताकि छिलका आसानी से निकल जाए इस तरह से। और उसके बाद हमें इसको गैस पे रख देना है और ये जो टोमेटो है उनको उसके अंदर ऐड कर देना है। चिली को हमें पहले से ही भिगो के रखा हुआ है गर्म पानी में, अब इसको अच्छे से हम पका लेंगे। तब तक पकाना है हमें जब तक कि इसमें से टोमेटो के छिलके आसानी से ना निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने निकाल लिया है और ये ठंडा हो गया है थोड़ा थोड़ा, तो मैं छिलका निकाल के आपको दिखाया कि इस तरह से टोमेटो के छिलके अलग हो जाएंगे। उसके बाद हमें ग्राइंडर लेना है, उसमें हमें ठंडा करने के बाद डाल देना है। मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट यहाँ पे ऐड करके मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ पे ये देख स्मूथ मैंने देख सकते हैं आप ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद हम तड़का लगाएंगे, तो तड़के में आप पहले भी जिंजर और गार्लिक को ऐड कर सकते हैं, उसके बाद आप जो पेस्ट बनाए हैं उसको डाल सकते हैं। मैंने ग्राइंड करते समय ही जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया था इसलिए मैंने बाद में नहीं डाला है। उसके बाद हमें अच्छे से 3 से 4 मिनट पका लेना है। तो यहाँ पे मेरी रेडी हो गई है और बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनी है ये मोमोज चटनी। इस मोमोज चटनी को आप कभी भी खा सकते हैं, आप इसको मोमोज के अलावा आप इसको पूरी पराठे के साथ भी खा सकते हैं, समोसे के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो आप इसको बना के रख सकते हैं, इसको आप 1 वीक तक स्टोर कर सकते हैं एयरटाइट बॉक्स में, और फ्रिज में आप रख दें तो आपका ये चटनी ख़राब नहीं होगा। तो मैं इसको चलिए सर्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सर्व कर लिया है मोमोज के साथ। तो मोमोज के साथ ये चटनी बहुत ही अच्छी लगती है और इस चटनी के बिना मोमोज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप मोमोज बनाने के साथ ये चटनी ज़रूर बनाइएगा, आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको ये मेरी चटनी की रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स फैमिली में। और जो मोमोज है उसका रेसिपी मैं कल के वीडियो में दूंगी, तो आप कल ये वीडियो देखिएगा। तो मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।